केरल में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 16 दिनों में केरल में 53,000 लोगों की मौत को बैकलॉग लिस्ट में रखा गया है। केरल में साप्ताहिक मौतों में 53% की कमी आई है, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण जिन मौत की रिपोर्ट नहीं जोड़ी गई थी उसे बैकलॉग के तौर पर जोड़ा गया है। इस वजह से राज्य में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 16 दिनों से राज्य की कुल रिपोर्ट की गई कोरोना मौतों में से 16% को बैकलॉग के रूप में जोड़ा गया है। इसी अवधि में भारत में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 7,749 थी, जिसमें से अकेले केरल की बैकलॉग मृत्यु संख्या 5,299 68.38% थी। बैकलॉग मौतों के अलावा केरल की कोरोना की मृत्यु दर 0.6% से 0.7% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर राज्य में संक्रमण की प्रवृत्ति ऐसे ही जारी रही तो मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,546 नए मामले सामने आए हैं और महामारी से 50 मरीजों की मौत हो गई है। नए मामलों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 50,08,381 हो गई है और मृतकों की संख्या 33,515 पर पहुंच गई है। केरल में एक तरफ कोरोना संक्रमण के साथ साथ वैक्सीनेशन भी तेजी से किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार केरल में 94.3% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं दोनों डोज 47.8% लोगों ने ले ली है। अधिकारियों का कहना है कि जैसी ही लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा राज्य में संक्रमण का ग्राफ नीचे आने लगेगा। बता दें कि केरल अब भी देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है। हालांकि बीते महीनों की स्थिति में मुकाबले अब केरल में हालात में सुधार हो रहा है, लेकिन देश के सर्वाधिक मामलों में अब भी केरल से ही सामने आ रहे हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।